सुप्रभात प्यारे बच्चों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, हारे नहीं जब हम सदे तब कम हुए कुछ फासले, दूरी कहीं कोई नहीं बस समर्पण चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? अलंकार होता है। अब सबसे पहले हम लोगों को जानना यह है कि अलंकार होता क्या है, व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार आभूषण जो है स्त्रियों की जो है शोभा बढ़ाते हैं, उनके सौंदर्य को, उनकी नवीनता को, उनके माधुर्य को बढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा में, लैंग्वेज में सरलता, नवीनता, सौंदर्य, लालित्य और माधुर्य को जो है बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक, तो फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके यूपी बोर्ड ने जो है आपको निर्धारित किया हुआ है जो फिगर्स ऑफ स्पीच, वो साथ ही आपके इंटरमीडिएट के जो है पाठ्यक्रम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है वो कितनी है, वो सात है। और सात कौन सी हैं, इनके लिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो है शैम्पू, एक वर्ड है शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू, इसी शब्द को याद कर लीजिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट जो है इंग्लिश सिलेबस में, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में कितनी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है, केवल शैम्पू शब्द याद कर लीजिए, आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, यस फॉर सिमिली, सिमिली मतलब उपमा अलंकार, ठीक। एच फॉर हाइपरबोल, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। ए फॉर एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी मीन्स संबोधन अलंकार। एम फॉर मेटाफर, मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। ओ फॉर ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास अलंकार। और ये लास्ट वाला जो है ओ फॉर ऑनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो यही सात फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जो है पढ़नी है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है तीन फिगर्स ऑफ स्पीच आपको देगा जो है एग्जाम में, उसमें से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनीशन लिख करके आप उसके दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, जितना भी आपका एग्जाम्पल मन कहे वो लिख देंगे, आपको चार नंबर मिल जाएगा। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम पहली फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर लें, जो है जो कि हमारी क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली, सिमिली मीन्स उपमा अलंकार, सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। चलिए सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं, जो है सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है, कैसे जानेंगे कि हाँ दिए गए जो सेंटेंस है, दिए गए जो लाइन है, वाक्य है या पंक्ति है जो है, उसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड द वर्ड्स एज, लाइक आर, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। फिर से देख लीजिए, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इन द वर्ड्स ऑफ फॉर कंपैरिजन आर एज, लाइक, सो आर यूज्ड। सबसे पहले करिए समझिए क्या कह रहा है कि अ सिमिली इज अ कंपैरिजन, सिमिली क्या है, तुलना है, एक तुलनात्मक अध्ययन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में। पॉइंट नोट करने वाली बात है कि यहाँ दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, उनके बीच क्या हो, तुलना हो। आगे कंडीशन दे रहा है व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उसके बाद उनमें जो है तुलना हो। पहली कंडीशन दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, दूसरी कंडीशन उनके बीच तुलना करिए, और तीसरी कंडीशन कहता है कि दोनों में कम से कम एक गुण समान हो, एक पॉइंट कॉमन हो। ठीक यहाँ तक, चौथी और लास्ट कंडीशन है कि तुलना करने के लिए या तो एज का, या तो लाइक का, या तो सो जैसे शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे देख लीजिए, जो एग्जांपल देख लिया जाता है, सी इज एज प्लस एज ड्यू, एग्जांपल देखने हैं जो है, सी इज एग्जांपल देखना है हमको,
पहला एग्जांपल सी इज एज फ्रेश एज ड्यू सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। यहाँ पे जो है सी की जो तुलना हुई है वो ड्यू से हुई है, सी की तुलना किससे हुई है ड्यू से, तो सी आपका जो है एक अलग व्यक्ति या वस्तु है जो है मान लीजिए, उसके बाद ये जो है आपकी ड्यू अलग चीज है। तो दोनों सबसे पहली कंडीशन ने फॉलो करा कि दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, उनके बीच तुलना कर रहा है, यहाँ किसी एक गुण को लेकर के तुलना कर रहा है, उसके बाद दोनों में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब कि जैसे ड्यू फ्रेश है वैसे सी भी फ्रेश है, यानी कि ये हो गया। उसके बाद तुलना करने के लिए एज लाइक या सो जैसे शब्दों का प्रयोग हो, देखिए यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप जो है आंख बंद करके निसंदेह कह सकते हैं कि इस जो है लाइन में इस वाक्य में जो है सिमिली आप स्पीच आई हुई है। ठीक है, आइए अगला देख लिया जाए जो है द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक द नाइट है दूसरी क्या है ब्लैक स्टोन है। तो यहाँ पे देखिए द नाइट अलग चीज है ब्लैक स्टोन अलग चीज है, दोनों के बीच तुलना कर रहा है। ठीक, और तुलना कर ये देखिए जैसे ब्लैक स्टोन डार्क है वैसे आपकी नाइट भी डार्क है, और तुलना करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया हुआ है एज का प्रयोग किया हुआ है। तो यानी कि आप जितनी भी कंडीशन होती है सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच की ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होगी। निसंदेह आप जो है आँख बंद करके जो है आप लगा के चले या ये लिख के चले कि हाँ यहाँ पे सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच है, कोई काटेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, आपको जो है डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। अब आगे जो है आप फिर से जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम सेकेंड फिगर से आप स्पीच की तरफ चलते हैं जो है आपका मेटाफर। क्या है मेटाफर? METAPHOR मेटाफर। दूसरी फिगर आप स्पीच हमारी क्या है मेटाफर, मेटाफर METAPHOR मेटाफर। मेटाफर मीन्स क्या होता है रूपक अलंकार मेटाफर। अब मेटाफर समझने के लिए थोड़ा सा जो है आप इसको हिंदी में ये समझ लीजिए कि बेटा मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर क्या होता है एक छिपी हुई उपमा होती है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। सबसे पहले हिंदी में समझ लीजिए कि मेटाफर में भी जो है दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी, मेटाफर में भी दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी, उनके बीच तुलना होगी, लेकिन बेटा तुलना ऐसी होती है कि दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है एक हो जाती है। तुलना ऐसी होती है दोनों के बीच में कि दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं एक हो जाती हैं। और मेटाफर में एक चीज़ ये है कि जो तुलनात्मक शब्द हैं वहाँ पे जो तुलना करने वाले जो शब्दों का प्रयोग करें जैसे एज लाइक या सो का, उनका प्रयोग आप जो है मेटाफर में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपका इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज। सबसे पहली बात मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज। मतलब कि मेटाफर भी एक इम्प्लाइड सिमिली है, छिपी हुई उपमा है, इसमें भी चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन चीज़ों की तुलना इस प्रकार होती है, चीज़ों का कंपैरिजन इस प्रकार होता है कि दोनों चीज़ें दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं एक हो जाती हैं। और जो तुलना करने वाले जो शब्द होते थे आपके जो है जैसे एज हो गया लाइक हो गया सो हो गया, उन सारे शब्दों का यूज आप मेटाफर में यानी रूपक अलंकार में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए जैसे लाइफ इज ड्रीम, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। देख लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ये लाइफ एक अलग चीज है और ये ड्रीम जो है ये अलग चीज है, दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इनके बीच आपको जो है देख रहे हैं तो जो है लग रहा होगा कि हाँ ये छिपी हुई उपमा है इसमें। जैसे आप इसको लिखिए जो है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब यहाँ पे देखिए लाइफ अलग चीज़ है ड्रीम अलग चीज़ है और यहाँ दोनों के मध्य तुलना हुई है और जो है तुलना करने के लिए एज लाइक या सो शब्दों का प्रयोग लाइक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे,
इसलिए जो है यहाँ पे सिमिली फिगर आप इसकी जाएंगे, लेकिन इसी लाइक शब्द का प्रयोग इसने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। इसी कारणवश इस जो है सेंटेंस में, इस एग्जांपल में आपका क्या है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है। तो कहने का मतलब ये, कहने का तात्पर्य है, एक शब्द में समझ लीजिए आप कि मेटाफर में एक छिपी हुई उपमा होती है, दो वस्तुओं के मध्य आप तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो तुलनात्मक शब्द है जैसे एज हो गया, लाइक हो गया या सो हो गया, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जो है ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, द कैमल इज द कैमल इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट डिजर्ट कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। देखिए यहाँ पे कैमल एक अलग चीज है, द शिप ऑफ द डिजर्ट एक अलग चीज है, ठीक है, तो दोनों के मध्य तुलना कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे तुलना इस प्रकार हुई बेटा कि दोनों वस्तुएं क्या हो गई, देख ली एक हो गई। इसे कैमल जो है वही रेगिस्तान का जहाज है, और जो रेगिस्तान का जहाज है वही क्या है आपका, कैमल है, ठीक। और ही बात समझिए, तो यहाँ पे तुलना करने के लिए ना तो एज का प्रयोग किया, ना लाइक का, ना सो का। यही कारण है कि इन शब्दों का प्रयोग ना होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपकी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है, ठीक। इसको देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है तीसरे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक। तीसरी फिगर ऑफ स्पीच आप देख लीजिए, चलिए आगे हम जो है इस फिगर ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।